गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि एलिजाबेथ के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली पूरी तरह से बदल चुकी है। तभी वहां के लोगों ने देखा कि वहां की जो लाट है जॉर्ज पंचम की, उसकी नाक नहीं है और उस नाक को लगाने के लिए एक मूर्तिकार को बुलाया गया है। मूर्तिकार को आदेश दिया गया कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी पर मुझे मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। लेखक ने बताया कि जब मूर्तिकार को कहा गया कि तुम्हें जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है, तो मूर्तिकार ने अपनी विवस्था में मजबूरी में कहा कि नाक लग जाएगी, किंतु मुझे यह पता होना चाहिए कि वह लाट कब बनी थी, किस समय की बनी है और किस स्थान पर बनी है, और इस लाट को, इस मूर्ति को बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाए गए थे। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए और कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। लेखक ने बताया कि एक अंग्रेजी एक विदेशी के लिए जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए यहाँ के आला अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। सभी लोगों ने एक दूसरे को सवाली नज़रों से, प्रश्न के नज़रों से देखा और अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि यह मूर्तिकार की जिम्मेदारी है कि कहाँ से नाक लगाई जाएगी, किस पत्थर की लगाई जाएगी, और इसका उपाय भी निकाला गया। वहाँ के क्लर्क को फ़ोन किया गया, पूरी छानबीन की गई। पुरातत्व विभाग की सभी फाइलें, जितने पुराने कागजी थे, सबको देखा गया, किंतु कहीं भी जॉर्ज पंचम के बारे में कुछ नहीं मिला। क्लर्क ने लौटकर कांपते हुए कहा कि मेरी गलती को माफ़ किया जाए, फाइलों में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसी कोई सूचना नहीं है, वह पुरानी फाइलें समाप्त हो चुकी हैं। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। जो वहाँ के आला अधिकारी थे, रईस हुक्काम थे, चेहरों पर निराशा के बादल छा गए, उदासी छा गई। एक कमेटी बनाई गई, एक सब और उसमें यह काम दिया गया कि किसी भी तरह से हो किंतु इस नाक को लगाना है और इसकी जिम्मेदारी आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों के जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं, हर चीज़ इस देश के गर्व में छिपी है, ज़रूरत खोज करने की है। खुश करने के लिए मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। लेखक ने बताया गया कि उसी समय मूर्तिकार को बुलाया गया, उसने इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया। वह बोला कि अब पत्थर किस किस्म का है या नहीं पता चला, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हिंदुस्तान में, भारत में जितने पहाड़ हैं सभी पहाड़ों पर जाऊँगा और इसी प्रकार का पत्थर ढूंढ कर ले आऊँगा। उसकी इस बात को सुनकर सभा के सभी सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने जल्दी जल्दी कहा कि हमारा भारत देश महान है, हिंदुस्तान महान है, इसके गर्भ में ऐसी ऐसी अमूल्य वस्तुएं छिपी हैं, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो यहाँ पर प्राप्त नहीं हो सकती, किंतु उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, उसे पाने के लिए मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, मेहनत का फल हमें मिलेगा और आने वाली पीढ़ी, आने वाला हिंदुस्तान, आने वाला ज़माना प्रसन्न होगा। सभापति के यह छोटा सा भाषण तुरंत ही अखबारों में छाप दिया गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खाने के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, उसके चेहरे पर लानत बस रही थी। उसने सिर लटका कर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। कुछ दिन बाद मूर्तिकार जब पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया, वहाँ के पहाड़ों पर, प्रदेशों पर,
पर्वतों पर उस पत्थर की खोज की, किंतु वैसा पत्थर उसे प्राप्त नहीं हुआ। तो निराश होकर वापस आया। उसके चेहरे पर उदासी झलक रही थी। उसने अपने सिर को लटका कर यह बुरा समाचार सुनाया कि हिंदुस्तान के कड़कड़ में ऐसे पत्थर खोजे, किंतु इस प्रकार का पत्थर कहीं नहीं मिला। लगता है यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार की बातों को सुनकर सभापति आवेश में आकर कहा कि आपकी अक्ल पर, आपकी बुद्धि पर लानत है कि विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। वहाँ का रहन सहन, वहाँ का तौर तरीका, दिल दिमाग, सब कुछ हम वहाँ का वहाँ जैसा आचरण करने लगे हैं। जब हिंदुस्तान में बाल डांस मिल जा सकता है तो यह पत्थर कौन से अनमोल है जो नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। मूर्तिकार कुछ देर तक चुप रहा। उसके बाद सभापति की बातों को सुनकर कहा कि मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, किंतु यह बात अखबार में नहीं छपनी चाहिए, लोगों तक नहीं पहुँचनी चाहिए। और उस बात को गुप्त करने के लिए कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। तब मूर्तिकार ने कहा कि हमारे देश में बहुत से महापुरुष हुए हैं, बहुत से नेता हुए हैं, स्थान स्थान पर उनकी प्रतिमाएं लगाई गई हैं, उनकी मूर्तियां लगाई गई हैं। यदि आप लोग आज्ञा दें और उचित समझें तो जिस नेता की, जिस महान पुरुष की मूर्ति की नाक चार पंचम की नाक पर सेट हो जाए, बैठ जाए, उसे उतार कर उस मूर्ति पर लगा दिया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की भवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसाजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। लेखक ने बताया कि हमारे देश के लोग ही हमारे देश की दुर्दशा करने वाले हैं। उन्होंने अंग्रेज जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए अपने देश के महान पुरुषों के, देश के नेताओं का अपमान करना उचित समझा और खुशी से कहा कि यह कार्य करना, किंतु बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार उन सब की बातों को मानकर देश भ्रमण पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप लेकर वह दिल्ली से बम्बई पहुँचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसाजी, जहांगीर, सभी महापुरुषों की नाकों का नाप लिया और गुजरात की तरफ भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोक की ओर बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुँचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आज सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपतराय, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे देश हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। लेखक ने बताया है कि नाक स्वाभिमान का, सम्मान का, इज्जत का प्रतीक है। और जब मूर्तिकार ने अपने देश के नेताओं के सामने यह बात रखी कि हमारे देश में कई नेता हुए हैं, उनकी मूर्तियां जगह जगह स्थापित हैं, और जब जॉर्ज पंचम की नाक के लिए ऐसा पत्थर नहीं मिल रहा है तो हम किसी भी नेता के, किसी भी महान पुरुष की नाक को उतार कर जॉर्ज पंचम की प्रतिमा पर सेट कर दें, उसे बैठा दें। और इसकी आज्ञा पाकर वह देश भ्रमण किया। देश देश स्थान स्थान पर हमारे देश के महान पुरुषों की मूर्तियों के पास जाता, उनकी नाक का नाप लेता, जॉर्ज पंचम की नाक पर सेट करने का विचार करता,
किंतु सभी की नाकें बड़ी निकलती। अंत में वह हार कर पराजित होकर लाचार होकर वापस आ गया और उसने बताया कि मैंने पूरे हिंदुस्तान का पूरे देश का भ्रमण किया, परिक्रमा किया, सभी मूर्तियों को देखा, सबकी नाकों का नाप लिया, किंतु जॉर्ज पंचम की नाक इन सबकी नाक से छोटी पड़ गई, इन सबकी नाक बड़ी निकली। अर्थात हमारे देश के महान पुरुष, हमारे देश के नेता जॉर्ज पंचम से कई गुना महत्वपूर्ण हैं, सम्मानित हैं।